सतगुरु दया की धार बड़ी ही निराली और गजब होती है। जब उतरती है तो हर एक चीज आपकी, चाहे मन हो चाहे तन हो, अंतरात्मा एकदम से प्रफुल्लित हो जाती है। इतनी मगन कि उसका वर्णन यहाँ पर हो नहीं सकता। और जब वो धार ऊपर से चलती है नामी पुरुष करतार के यहाँ से, तो सतपुर आती है। सतपुर से फिर चली तो तीसरे धाम पर सीधे पहुंची और वहां से आपके पास में पहुंची जहां पर चरण कमल है सामने आपके, वहां पर फिर आपकी जीवात्मा के पास। अब कितनी लगन से आप बैठते हो ध्यान भजन सुमिरन में, कितनी लगन अपने सतगुरु में लगाते हो, ये आप पर निर्भर करता है कि जितनी लगन लगी होगी, जितनी तड़प होगी, जितनी बीरा होगी, उतनी जल्दी वो दया की धार आपको मिलती है। सेकेंडों में सतगुरु दया ऊपर गगनमंडल में चढ़ाते हैं और एक एक चीज आपको दिखाते हैं। लेकिन जब तक सतगुरु में आप पूरी तरह से लय नहीं हो जाओगे, उन पर पूरी तरह से निछावर नहीं हो जाओगे, तब तक वो दया की धार मिलना बड़ा मुश्किल है। आप सत्संग में बार बार सुनते हो, बहुत से प्रेमी भी सुनाते, सतगुरु दयाल ने तो बहुत सुनाया कि आपका ध्यान भजन सुमिरन क्यों नहीं बनता, ऊपर की चीजें क्यों नहीं दिखाई देती। उसका मूल कारण एक ही होता है कि आपका मन नहीं रुकता। मन जब नहीं रुकेगा, जब आप सतगुरु का की प्रार्थना करते हो या उनका स्मरण करते हो, सतगुरु जय गुरुदेव नाम लेते हो, तो सतगुरु का सच्चा स्वरूप आपके सामने बन करके आना चाहिए। जब आपने ऐसा कहा सतगुरु जय गुरुदेव, अपनी अंतरात्मा से उच्चारण किया, उसी समय उस मालिक की मोहनी मूरत आपके सामने खड़ी होनी चाहिए। यदि वो नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उसका प्रयास करो कि धीरे धीरे आपकी वो चीज रुकने लगे। जब तक रुकेगी नहीं तब तक कुछ काम बनेगा नहीं। ठीक है। तो ये मालिक की जब दया उतरती है तो बड़ा ही आनंदमय हो जाता है। ये संसार तब रूखा फीका लगता है, तभी हकीकत में उदासीन आप हो जाओगे और फिर आप पर वो फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया वाले क्या कहते हैं, घर परिवार वाले भी क्या कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जो जीवात्माएं होती हैं, जो सतगुरु का अमृत पीती हैं और उसका एक बार भी कण मात्र भी अगर उन्हें मिल गया तो फिर पूछो मत। उसको बार बार लगन लगी होती है कि हे सतगुरु, मुझे वो आवाज सुना दो, मुझे वो मोहनी मूरत अपनी दिखा दो कि जैसा वहां पर है उस मंडल में ले चलो। और जैसा आप अलग अलग चीजें एकदम शीतल ऊपर का जो चीजें है वो वहीं पर मुझे ले चलो। इतना मंत्रमुग्ध, इतनी शीतलता यहाँ पर कहीं नहीं है। आप पहले स्थान पे जाओगे, वहां का भी बड़ा गुड़ भेद है। आप वहां पर भी जाओगे तो बड़े साफ शब्दों में कहा
श्याम श्वेत, श्याम भी कहा गया है लेकिन श्वेत भी कहा गया है। आपको समझना चाहिए कि श्याम क्या है और श्वेत क्या है। अरे जब आप वहां के स्वरूप का ध्यान करते हो जो तीन लोगों के मालिक हैं, उनका तो श्याम रूप आपको दिखाई देगा, लेकिन जो एकदम फक व्हाइट है वहां पर स्वरूप, वो सत्पुरुष करतार का, अनामी पुरुष करतार का है। जब आप लगन लगाओगे और उस मालिक से विशेष प्रार्थना करोगे कि मुझे वो रूप देखना है, तब आपको वो रूप दिखाया जाएगा। और नहीं तो बड़े बिरलों को ही वो चीज दिखाई जाती है, उसका दर्शन दीदार होता है। क्योंकि आज तक का मैंने बहुत खोज किया, मैं जब बचपन में था उस समय पर भी खोजी था, पढ़ता था, सत्संग में जाता था, तो सत्संगियों से मिलता था, बुजुर्गों से जो काफी टाटधारी थे बहुत से, उनसे पूछता था। लेकिन उसमें से इक्के दुक्के मुझे मिले जिन्होंने कुछ चीजें बताई, और वो सत्य था जो उन्होंने बताई। जिस तरह से उसी तरह से उस समय प्राप्ति हो रही थी, क्योंकि हम भी टटोल रहे थे कि किस तरह से सच्चे में ऊपर में चीजें मिलती हैं। तो आप भी जब टटोलोगे, इधर उधर थोड़ी थोड़ा प्रयास करोगे, तो वो सच्ची चीजें और मालिक की से विनती प्रार्थना करोगे, तब वो सच्ची चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बड़ा ही मनोरम दृश्य है वो दीपक के रूप में जो सदगुरु दयाल बताते हैं कि वहां पर उनका स्वरूप इस तरह से है। पहले स्थान के धनी का तो सत्पुरुष करतार का, नामी पुरुष करतार का भी तो वहां पर स्वरूप है, तो उसको भी तो देखने का प्रयास करो। इनका तो आपने दर्शन कर लिया और उनकी दया मेहर मिली, आप आगे बढ़ गए, लेकिन सदगुरु दयाल तो अंग संग रहते हैं, तो उनका भी तो स्वरूप वहां पर जो श्याम के साथ में श्वेत रूप में विराजमान है, उसका भी तो आपको दर्शन करने का के लिए लालायित रहना चाहिए। जब तक पता नहीं था तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पता चले तो उसके लिए भी प्रयास करो कि हे सतगुरु दयाल हमें उस स्वरूप का भी दर्शन कराइए, हे दाता दयाल मुझे उस स्वरूप का भी एक बार झलक मात्र ही दिखाइए। तो जब इस तरह से प्रार्थना करने लगोगे, सतगुरु दयाल की दया उतरेगी और सेकंडों में सूरत ऊपर चली जाती है। कभी उड़ती हुई चलती है, कभी वहां पर जैसे आपको लगेगा जल, जल तो होता नहीं हकीकत में, जल वल नहीं होता है, वो तो शब्द का जल है, तो उसी पर तैर जाती है सट से, और जहां से शब्द आ रहा है वहां पर एक सेकंड में वहां पर पहुंच जाती है। इसी तरह से आपको लगेगा कि बहुत गहरा है ये जलाशय, वहां के बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत, ये तो इसमें अथाह है, लेकिन वहां डर भी बहुत लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको तो डर लगता है लेकिन उसमें डूबोगे नहीं, उसमें अगर डुबकी लगा लो तो सट से इधर से उधर आप पहुंच जाओगे। मतलब कि जो जीवात्मा है, जो दूसरी आपको बुला रही, जो दूसरे धनी है वहां पर जो आवाज दे रहे, उनके पास में एक सेकंड में वहां पर पहुंच जाती, उसी शब्द को पकड़ करके। जैसे गुरु महाराज बताते कि शब्द ऊपर से आ रहा उसको पकड़ लो तो उस जो जीवात्मा वहां पर पहुंच जाएगी, वैसे ही सट से एकदम से एक्यूरेट। जैसे आप कहते हो कि यहाँ पर भाई हमको शब्द तो समझ में आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो मिक्स वाला आ रहा है, क्योंकि वहां पर झिंगुर की तरह से बोल रहा है या दूसरी तरह से बोल रहा है, लेकिन स्पष्ट आपको सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, जब आपको वो एकदम से खिंचाव होगा तो एकदम स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर वही शब्द आता है, जहां से जो ध्वनि उत्पन्न करेगा आवाज, एक्यूरेट वही सुनाई देगी, एकदम वही सुनाई देगा। और जैसे आप उसको एकदम से जरा से ध्यान दोगे कि हाँ वहां से आ रही, बस तुरंत इतना कहना भी नहीं पड़ता कि जीवात्मा जा करके उस धनी के ठीक सामने खड़ी हो जाती, और जो भी वो जीवात्माएं कहती बड़ी लगन से ये सुनती, और जो इसके प्रश्न होते हैं जीवात्मा के वो भी कहती है। तो वहां का जो दृश्य होता है ऐसा, वो बड़ा ही विहंगम होता है। अरे सतगुरु दयाल
तो इतनी मौज में कभी कभी रहते हैं कि इतना बुलंद सत्संग सुनाते हैं, एक एक चीजें बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले सत्संग सुनाते हुए सतगुरु दयाल ने कहा कि प्यारे बच्चों, ऊपर में बैठे हुए सत्संग सुना रहे सतगुरु दयाल, बहुत अखंड असंख्य जीवात्मा वह बैठी, उसकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती, इतनी वहां पर बैठी चारों तरफ से सत्संग सुन रही। गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कहा, वहां से आवाज सुनाई दे रही कि देखो, श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो भजन कैसे करोगे, लग करके ध्यान भजन सुमिरन करो। तो जो जीवात्माएं नीचे से जाती उनके लिए भी तो सत्संग सुना रहे होते, तो उनके लिए वो बता देते कि देखो बच्चू, करना क्या है, लगन किसमें लगानी है, इधर उधर मत लगाओ, क्योंकि ये तो झूठा पसारा है और झूठे पसारे से काम बनने वाला नहीं। इसमें आप जितना संलिप्त होते जाओगे, मिलते चले जाओगे, उतना ही काम बिगड़ता चला जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि हम इस जड़ संसार से जितना कट पाए उतना कट जाए, क्योंकि ये तो माया की छाया है, हमेशा सतगुरु दयाल ने बताया। तो इस जब माया की छाया से अगर आप दूर नहीं हो पाओगे तो ऊपर में जब चलोगे तो ऊपर में जो बहुत ज्यादा और बृहद ऊपर की रचनाएं हैं, चाहे पहले स्थान पर, उससे पहले माया का लोक, और उसके ऊपर चलोगे तो महामाया का लोक, उसमें क्या कम है। ऊपर में चलोगे तो दूसरे धाम पर भी अनेकों रचनाएं हैं, क्या उसको आप पार कर पाओगे, क्योंकि आप तो यहाँ के ही रचनाओं में लुभा जा रहे हो, तो वहां की रचनाओं में भी खो जाओगे। और जब ऊपर में चलोगे तो वहां भी लुभा जाओगे। तो इसीलिए सतगुरु दयाल हमेशा समझाते हैं, बताते हैं, चिताते हैं कि जब आप शब्द से जुड़ जाओगे तो शब्द सीधी सड़क है, एकदम सट से वहीं पहुंचाती है। क्योंकि जिस तरह से मैंने पाया है, सतगुरु दयाल ने जैसे शब्द उतारते हैं, वो तो इसी तरह से है कि एक सेकंड में जीवात्मा चढ़ती है। किसी भी मंडल पर आपको जाना है तो सतगुरु दयाल उस मंडल से दया की धार सीधे भेजते हैं, और जैसे वो दया की धार आई, सट से उसी मंडल में जीवात्मा पहुंचती है। ना कि आपको लगेगा कि हम पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, तीसरे पे, नहीं, अगर तीसरे से आई तो सट से तीसरा ही दिखाई देगा लक्ष्य से, और तीसरे की रचना दिखाई देगी। इस तरह से होता है। अब मालिक की लेकिन मौज कि आप पर उस समय जब साधना पर बैठे हो तो पहले स्थान पर ले जा रहे हैं, या उससे पहले नीचे आपकी कहीं भावना बंधी है, किसी की पूजा आप ज्यादा कर रहे हो थे, या पहले जन्म में भी किया और अब भी कहीं आस बंधी है कि नहीं, हमें तो शंकर भगवान का या ब्रह्मा जी का या विष्णु जी का या ब्रह्मपुरी या शिवपुरी को भी देखना चाहती हूँ, तो वहां पर भी सतगुरु दयाल भेज देते, वहां पर भी दिखा देते हैं। लेकिन देख तो लो, लेकिन चैतन्य रहो, जीवात्मा एकदम सजग रहे, और कभी डरो मत। अंदर में भी कभी कभी कुछ चीजें बाधाएं आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, लेकिन आपको अकाट्य विश्वास अपने सतगुरु पर होना चाहिए। जब अपने सतगुरु पर अकाट्य विश्वास होगा तो अंडकंड ब्रह्मांड में कोई इस जीवात्मा को रोकता नहीं है, क्योंकि सतगुरु दयाल की मेहर आप पर होती है और वो अंग संग होते हैं, एक सेकंड में ये वहां से यहाँ से वहां पलक झपकते हुए चली जाती है। कभी कभी सतगुरु दयाल की ऐसी मौज होती कि बहुत धीमी रफ्तार से चलाते, जैसे अगर यहाँ का भी आप सोचते होगे कि यहाँ का कैसे होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ का नहीं होता, झम से ऊपर चढ़ जाती है, नीचे का कुछ नहीं दिखाते, ऐसा नहीं है। सतगुरु दयाल की दया मिहर हो जाए तो ये जीवात्मा, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और आपको सत्संग गुरु महाराज की दया महल से सुना रहा हूँ, वैसे ये जीवात्मा यहीं से तुरंत चल देती है, और यहाँ पर आपको पूर्ण चेतना भी रहेगी। ऐसा नहीं होता कि चेतना एकदम से खत्म, आपका शरीर भड़ाक से नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसी भी मौज होती और वो धीरे से यहीं से चलना शुरू करती और दिव्य दृष्टि से सीधा दिखाई देता कि ये जीवात्मा कैसे बढ़ रही, रास्ता कौन सा है, ये गली कौन सी है, ये दाहिने घूम रही है कि बाएं घूम रही है, कि आगे जा रही है कि पीछे जा रही है,
और वो स्थान कहाँ पर जहाँ पर ले जाना चाहते हैं वो भी स्पष्ट आपको पता चलता चला जाता है कि ये भला स्थान है, ये रास्ता ऐसा है, यहाँ पर मुड़ी है। तो जब सतगुरु दयाल को आपसे काम लेना होता है सेवा का, तो वो फिर दिखाते हैं इस तरह से। और ये जीवात्मा जो कि मालिक के चरणों में रथ है, उस चीज को अंदर में समझ लेती है, और समझ करके जब वक्त आता है उसको वो कार्य करने के लिए, तो उसको फिर किसी से पूछना नहीं पड़ता है, क्योंकि सतगुरु दयाल तो उसको स्वयं ही बताए हैं और दिखाए हुए रहते हैं, तो वो धीरे धीरे वैसे वैसे करती हुई चली जाती है। तो जब करोगे और लगन लगाओगे सतगुरु में, तब ये चीजें दया की धार मिलने लगती हैं। तो यहाँ का ये संसार का भी समझ सकते हो कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप समझ नहीं सकते हो अध्यात्म विद्या के द्वारा, क्योंकि सतगुरु दयाल तो एक एक जर्रा जर्रा दिखा देते हैं। अरे इतना साफ दिखाई देता है कि ये जो सूरज निकलता है उसकी रोशनी में जितना साफ आपको दिखाई देता है, उससे कहीं हजारों गुना ज्यादा साफ जब गुरु महाराज दृष्टि खोलते हैं, आगे का पार्ट दिखाई देता है, उसमें दिखाई देता है। उसमें तो सुई भी मुझको लगता कि गिर जाए, अगर नन्ही सी सुई की नोक भी, वो भी झलक जाती है, दिखाई देती है। तो यहाँ का भी दिखा देते वो कि कार्य कैसे करोगे, किसी को जा करके कैसे समझाओगे, वहां पर जीवात्मा है उसको क्या बताना है, उसको समझाना क्या है, सब कुछ दादा दयाल बता देते हैं। अरे वहां पर सत्संग होने जा रहा या कभी भविष्य में होने जा रहा, उसका भी नक्शा खींच करके दिखा देते बता देते हैं। लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, आपको भी अनेकों बार अनुभव हुए होंगे, सतगुरु दयाल ने अनेकों बार अनेकों चीजें दिखाई होंगी, लेकिन आप और हम सभी भटक जाते हैं। लेकिन कभी भी अपने सतगुरु पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे ये जान चाहे ये जीवात्मा निकल जाए हमेशा के लिए, ये शरीर यहीं पर छूट जाए, लेकिन कभी भी सतगुरु पर अविश्वास नहीं लाना चाहिए, क्योंकि सतगुरु भी आपकी बहुत बार परीक्षा ले रहे होते हैं, वो भी तौल रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी सहनशीलता है, कितनी कार्य क्षमता है, कैसे करोगे जब आप पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और उसका भान भी कराते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराते, उसका भान भी करा देते हैं। जो भी जीवात्माएं ऐसी होती हैं, सतगुरु दयाल की कृपा से उनको मालूम रहता है कि मुझे कार्य क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि वो खोल करके एक एक चीज दिखाते हैं, तब पता होता है। लेकिन ये कहो कि वो बता दें आपसे, तो ये तो नामुमकिन है। सतगुरु दयाल जब अपने मुखारविंद से कहेंगे बच्चों की ये चीज बता दो, ये सार्वजनिक रूप से कहना है, तब तो वो जरूर बता देंगी, लेकिन गुण रहस्यों को तो वो भी छुपा जाती है, क्योंकि ये धन ही ऐसा है, और फिर हर बात को बताया भी नहीं जा सकता। जब सतगुरु दयाल की मौज आएगी, वो समय आएगा, तो वो स्वयं ही आपको पता चल जाएगा। तो जब सतगुरु के चरणों में बैठ करके सच्चा ध्यान करोगे, सच्ची पूजा करोगे, सच्ची लगन लगाओगे, तब आपका काम बनने लगेगा, और ऐसा बनेगा कि आप हमेशा मगन रहोगे, और एकदम आपके अंदर एक फुरहरी जैसे उठती है ना, एकदम फुरहरी उठ जाती है, एकदम से अंग अंग आपका एकदम से पुलकित हो जाएगा, ऐसा होता है। तो जब पुलकित हो जाएगा तो एकदम मगन, इस संसार में उतनी मस्ती नहीं चाहती। जिस दिन सतगुरु दयाल आपको दर्शन देते हैं या ऊपर की रचनाओं को एक एक करके दिखाते हैं, अरे बड़ा ही मोहक वो दृश्य होता है। एक बार सतगुरु दयाल की दया हुई, मैं ऊपर चढ़ा तो गुरु महाराज इतनी विशेष चीजें दिखा रहे कि जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुत लोग की भाई उधर होता क्या है, तो वो उन साधकों को बताने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो उस चक्षु से देख चुके होते हैं, सतगुरु दयाल की दया से अपने ज्ञान चक्षु से देख चुके हैं, तो उनको वो दृश्य और वो चीज रचना, जैसे वो कोई क्वेश्चन करता हो तुरंत ही वो चीज साक्षात में दिखाई जैसे दे रही हो, क्योंकि वो देख चुके होते कि यहाँ पर ये चीज ऐसे है, तो उसी से वो निकाल करके आपको एक एक चीज समझा देते हैं, बुझा देते हैं कि वहाँ पर किस तरह से है। तो चाहे वो स्वर्ग वैकुंठ में हो, वहाँ पर जो होता है उसके बारे में भी ज्ञान रहता है उनको, चाहे ऊपर में
जीवात्मा जाती तो ऊपर में भी जूरी लगती, जूरी जब लगती है वहां पर प्रस्ताव पास होते, वहां पर कहां पर लगती है जूरी, वहां पर किस तरह से प्रस्ताव पास होता है, वहां की आबो हवा किस तरह से है, वहां पर वहां की रचना किस तरह से है, उस साधक को पता होती है। लेकिन ये सब कुछ जो मिलता है, जो सब कुछ जानता है, वो सतगुरु दयाल की दया से जानता है। आप सोचोगे कि हम कर ले जाएंगे, नहीं, आप सतगुरु दयाल से आप निमित्त मात्र हो, हमेशा उनकी चरणों में बैठ करके उनसे विनती प्रार्थना करके जब कहोगे कि हे सतगुरु दयाल मेरा ध्यान बन जाए, मेरा सुमिरन बन जाए, तो वो खुद ही बना देते हैं। बहुत बार कहते हो कि गुरु महाराज ने तो कहा है घंटा पकड़ने के लिए या मृदंग पकड़ने के लिए या फिर कहा किसी सारंगी पकड़ने के लिए। बहुत बार ये भी सुनते हो कि बंसी पकड़ना है, बांसुरी पकड़ना है, लेकिन वो तो सुनाई नहीं रहती। अरे वो मिक्सी वाली आती रहती है, अब बस तो रहा इतना पता है और स्पष्ट आ भी रहा है, वो बजता हुआ वो आ रहा है, लेकिन उसमें से छांट नहीं पाते हो। अरे वो दाता दयाल है, उन्हीं से कहो कि हे गुरु महाराज हमारे छांटने से ये छांट नहीं मिलेगा, आप दया कर दीजिए, आप कृपा कर दीजिए कि हमको वही वाली सुनाई दे जाए। बंसी की अगर इच्छा सुनने की तो उनसे विनती प्रार्थना करिए कि हे गुरु महाराज हमको आज तो बंसी सुननी है और वहाँ उस धाम में चलना चाहता हूँ, आप दया कर दीजिए, आप मेहर कर दीजिए, तो बंसी की आवाज स्पष्ट आपको सुनाई देगी। उसमें हो ही नहीं सकता कि दूसरे का लाभ लपेट कहीं से भी हो, एक जरा मात्र भी वो नहीं आएगी। अरे वो दाता दयाल जब सुनाना चाहते हैं तो बांसुरी भी एकदम बड़ी सुरीली सुनाई देने लगती है, मस्त कर देती है। आप कहोगे क्या गुरु महाराज कितनी मौज हो गई आपकी कि आज तो हमको एकदम से वही सुनाई दे रहा और कुछ सुनाइए नहीं दे रहा। अरे इतनी दया उतारते कि उसको पा करके ये जीवात्मा बड़ी ही अभिभूत हो जाती और उसके आंखों से झरझर नीर बहने लगते, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रफुल्लित हो जाती, खुशी हो जाती है कि उसको सोचती है कि इतनी दया कहाँ से आई, सतगुरु दयाल इतनी दया कर दी हमारे ऊपर, उनको कोटि कोटि बार ये धन्यवाद देती है और एकदम मगन हो जाती। कितना भी टेंशन इस दुनिया की आपको हो, एक सेकंड नहीं लगेगा, सब कुछ काफू हो जाता है, खत्म हो जाता है जब वो दया उतरती सतगुरु दयाल की। अरे इसी तरह से अन्य आवाजें भी सुनाई देती हैं, इन आवाजों के अलावा भी आवाजें हैं ऊपर में, वो भी आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई जीवात्मा आपसे बात करना चाहती है, अपने पास बुलाना चाहती है, तो उसकी स्पेशल आवाज होगी इनमें से अलग, वो आवाज आपको बजाएंगे, वो वहां से वो आवाज बजाते हैं, वो जनरेट करते हैं, वो उत्पन्न करते हैं। जैसे वो आवाज वहां से भेजेंगे आपको तुरंत पता चलेगा वो जीवात्मा के वहां से आ रही आवाज बस तुरंत इतनी देर में उधर पहुंच गई, उनके सामने एकदम खड़ी हो गई। तो ऐसे दया की धार सतगुरु दयाल इस जीवात्मा पर उतारते और ये बड़ी मगन हो जाती। ऊपर में देखो तो सतगुरु दयाल इतनी मौज उतारते कि प्रफुल्लित रहती है जीवात्मा। कभी कभी सतगुरु दयाल की दूसरे धाम पर, कभी कभी पहले धाम पर, तीसरे धाम पर भी ऊपर में जब आप चलोगे तो बड़ा मनमोहक दृश्य है। लेकिन ये सब कुछ सतगुरु दयाल के ऊपर निर्भर करता है कि आपको वहां पर चढ़ा करके उस गगन मंडल में वो क्या दिखाते हैं, क्योंकि हर जीवात्मा का भाव अलग अलग और उसकी अपनी जो ध्यान भजन सुमिरन कर रहा वो भी लगन की बात कितना वो कर पाता है। और उस समय जब उसने विनती प्रार्थना की तो वो मालिक उसी क्षण पे रीझ गया तो दया की धार तो उतर गई और ऐसी उतरेगी कि गगन मंडल में चढ़ा करके दिखा देते। अभी परसों की बात है, सतगुरु दयाल इतनी मौज में इसी धारा मंडल का दृश्य दिखा रहे, गुरु महाराज आगे आगे चल रहे, पूरी सड़क दोनों तरफ से लबालब भरी,
जनता एकदम चारों दोनों तरफ खड़ी सड़क के किनारे और गुरु महाराज की गाड़ी बड़े धीरे धीरे आगे की तरफ प्रचार करती हुई चल रही, दर्शन देती हुई चल रही। और एक ही गाड़ी मुझे दिखाई दे रही सामने, एक गाड़ी है वो, और पीछे कितना बड़ा कारवां होगा ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा, गुरु महाराज की गाड़ी। और दोनों तरफ जनता एकदम से पूछो जीवात्माएं कितनी, वो जो कि इस संसार का दिखाई दिया कि सद्गुरु दयाल जो कि या तो आगे करने वाले या जहां पर हैं वहां से ऐसी दया की मौज उठा रहे, तो वो तो दाता दयाल है। और ऐसे ही मैं सामने से देख रहा कि सद्गुरु दयाल की गाड़ी इतनी धीमी बहुत चूटी की चाल से बढ़ती हुई चले आ रहे और सब पर दया दृष्टि डालते हुए चले आ रहे। और एकदम रोड खचाखच भरी है दोनों, लेकिन सामने की रोड एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर कि ऊपर आदमी नहीं दौड़ रहा, इधर भी खड़ा और अगल और बगल दोनों खड़े, दाहिनी तरफ भी बाएं तरफ भी, और हाथ जोड़ करके प्रणाम सद्गुरु दयाल को कर रहे। तो लगन ऐसी लगाओ, इतनी तड़प अपने अंदर लाओ और कहो सद्गुरु दयाल से कि हे सद्गुरु दयाल हम पर ऐसी दया करिए कि हमको कुछ दिखाई दे, कुछ सुनाई दे। लेकिन याद रखो, आप दया की भीख हमारा और आपका कर्तव्य है मांगना, लेकिन दया सद्गुरु दयाल के हाथ में कितनी देते हैं, किस तरह देते हैं। कभी कभी आप कहते हो गुरु महाराज हमें ये चीज बता दीजिए, जैसे हम हमारी इच्छा हुई हमको बहुत तकलीफ है, पैर में बहुत तकलीफ है, आप सोच रहे हो कि सद्गुरु दयाल हमारे पैर के बारे में ही बता दे, बड़ी दिक्कत है। तो उनकी मौज हो गई तो तुरंत ही बता देंगे, और नहीं तो हो सकता वो दूसरी रील पर आपको ले जाए। और ऐसा बहुत बार होता है कि आप कुछ पूछते हो लेकिन रील कोई दूसरी सद्गुरु दयाल दिखाते हैं, दर्शन भी देते लेकिन रील कहीं और चल रही होती है। फिर आप ये जो क्वेश्चन है उसका जवाब तो आपको बाद में मिलेगा, लेकिन उनकी मौज जो हो उस समय वो चीज आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु का जो संदेशा है, जो गुरु की मौज है, उसी में आपको रहना है। और जितना ज्यादा से ज्यादा अपने सद्गुरु से खुश करके प्राप्ति हो जाए उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। हम आपको मन बुद्धि से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ चतुसंताकरण तो लगा ही हुआ है जीवात्मा के साथ, तो वहाँ पर जो आप कहते हो उसमें मन और बुद्धि का भी तो थोड़ा दांव लग जाएगा, आपको विवेक से काम करना चाहिए।